खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत्ती ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हिमाचल में विकास कार्य नहीं होने का कांग्रेस मढ़ती आई है आरोप। दूरबीन लेकर भी ढूंढने से कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं प्रत्याशी, ये कहना है सतपाल सत्ती का। बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का सत्ती ने दिया ब्यौरा। 6 अप्रैल तक होंगे ...2019 के लोकसभा के चुनावों को लेकर भाजपा ने जो है वो रणनीति बना ली है, और ये कहा गया है कि रैलियां हो रही हैं, बड़ी रैलियां हो रही हैं, स्टार प्रचारक जो हैं वो आ रहे हैं, और कई तरह के सम्मेलन जो हैं वो भी प्रस्तावित हैं। इस बाबत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती। रोजाना एक विधानसभा क्षेत्र में 2 जनसभाएं करने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी की ओर से कुल 210, 14 अप्रैल के बाद 256 जिला परिषदों में ये जनसभाएं होंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल में होगी 8 बड़ी रैलियां, इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर जनता टीवी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की खास बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें हिमाचल में विकास कार्य नहीं होने का कांग्रेस लगातार आरोप मढ़ती आई है, ये कहना है सतपाल सिंह सत्ती का। के चुनावों को लेकर भाजपा ने जो है वो रणनीति बना ली है, और ये कहा गया है कि रैलियां हो रही हैं, बड़ी रैलियां हो रही हैं, स्टार प्रचारक जो हैं वो आ रहे हैं, और कई तरह के सम्मेलन जो हैं वो भी प्रस्तावित हैं। इस बाबत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती। सत्ती साहब, किस तरह से प्रोग्राम है और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं अब इन चुनावों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का चुनावी अभियान बहुत समय पहले से शुरुआत हो गई थी। अब कैंडिडेट्स फाइनल करने के बाद हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक 400 छोटी बड़ी जनसभाएं करने का निर्णय लिया है, जिनमें जगह जगह के ऊपर मुख्यमंत्री जी, जयराम जी जाकर के संबोधन करेंगे, और प्रदेश के अन्य नेता MP अपने अपने स्थानों के ऊपर वहाँ पर जाएंगे, और उसके साथ साथ घर घर पहुँचने के लिए हम लोगों ने मेरा परिवार भाजपा परिवार जो 23 अप्रैल शहीदी दिवस से लेकर के 23 मार्च शहीदी दिवस से लेकर के 6 अप्रैल भाजपा के स्थापना दिवस तक रखा है। इस अभियान को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें मोदी जी की अपील, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, उनको लेकर के हम जनता में वितरित कर रहे हैं कि जनता कंपेरिजन करे कि किस सरकार ने कितना काम किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है, रणनीति बनाई जा रही है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई गई है, बड़ी रैलियों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात यह आती है कि धरातल पर चल क्या रहा है। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो दावेदार थे जिनको टिकट नहीं मिला उनमें काफ़ी नाराज़गी है, और नाराज़गी के बाद अब आपके लिए किस तरह से चैलेंज है उनको मनाना, या जो अब बढ़त है, बढ़त की ओर जाना है आपको, किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ में? भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 4 सीटें अपोजिशन में रहते हुए जीती थी। विपक्ष में थे हम, हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, जनता का आशीर्वाद मिला, नेताओं ने एकजुटता दिखाई, तो हम 4 सीटें जीत गए। अब भी इसी के ऊपर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आज हमारी सरकार है, हमने काम किए हैं, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने काम किए, उनका लाभ हम लोगों को मिलेगा। मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व का लाभ मिलेगा, जयराम जी की शराफत और ईमानदारी का लाभ हम लोगों को मिलेगा, और जयराम जी तो पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर के चीफ मिनिस्टर उभर करके आए हैं जो सर्वे हुए हैं, और ये बहुत छोटे से कार्यकाल में उन्होंने करके दिखाया। आम जनता ने कहा है कि बहुत पॉपुलर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, नेक आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, तो इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। और जहाँ तक सीटों का मामला है, मैं जनता के आशीर्वाद से दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग 4 के 4 सीटें जीतेंगे। लेकिन सर, सवाल वही है कि जो दावेदारी थी जिनकी, वो रूठ गए हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भी चीज़ है कि टिकट काट दिया गया, चाहे वीरेंद्र कश्यप की बात करें, अभी आपकी जो प्रचार चल रहा है उसमें भी भाग नहीं ले रहे हैं, हालांकि आप दावा कर रहे हैं कि वो साथ में हैं, किस तरह से साथ में हैं और क्या कार्यकर्ताओं में आपको कुछ देखने के लिए मिल रहा है, आपने कुछ झांका कार्यकर्ताओं में? वीरेंद्र कश्यप जी पार्टी के प्रत्याशी के साथ चल रहे हैं, अगले कल शिमला में आ रहे हैं, तो शिमला में भी साथ ही हैं।
उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, दो बार मुझे एमपी बनाया है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया है और आगे भी वीरेंद्र कश्यप जी का लाभ हम लोग लेते रहेंगे। सरकार और संगठन में उनको जिम्मेवारियाँ मिलेंगी और आगे भी वो काम करते रहेंगे, वो पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता है। मंडी सीट को लेकर बात कर लेते हैं। मंडी सीट को लेकर जो है एक घमासान बना हुआ है, कहा यह जा रहा है कि अनिल शर्मा जो है वो दुविधा में है, आप भी बयान दे रहे हैं, किस तरह की दुविधा है? अब सवाल ये है कि क्या मंत्री पद पर रहेंगे, भाजपा में रहेंगे या क्या होने वाला आगे? अनिल शर्मा जी पिछली बार हमारे साथ आए थे, बहुत एक नेक इंसान आदमी है मैं ऐसा मानता हूँ और शायद उठा पटक की राजनीति से वो परेशान है, उनके बयानों से ये दर्शा रहा है। लेकिन वो धर्म संकट है उनके लिए कि वो उस पार्टी के साथ जाएं जिसने मंत्री बनाया है, जो उस परिवार के साथ जिस परिवार ने फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो जो अनिल शर्मा जी को ही डिसाइड करना है, वो जो भी डिसाइड करेंगे पार्टी उनके किए हुए निर्णय का आदर करेगी। लेकिन उनका परिवार ये भी कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि आश्रय जो है वो सदस्य नहीं है भाजपा के, ऐसे में किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं या आज़ाद उम्मीदवार लड़ते हैं, उनका अपना एक अपना वो निर्णय होगा। लेकिन यहाँ पर ये है कि सवाल अब ये बोल रहे हैं, उनकी तरफ से जो जवाब आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि हम लोग तो पहले ही पार्टी में थे, पार्टी के सदस्य भी हैं, उनके सामने ही पार्टी जो है ज्वाइन की है। किस तरह से आप देखते हैं इस दल बदलू की राजनीति, क्योंकि पहले कभी भाजपा फिर कांग्रेस फिर भाजपा फिर कांग्रेस? अब सुखराम जी बहुत बड़े लीडर हैं, मैं उन पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। सुखराम जी को जो ध्यान में रखना चाहिए कि वो फिर से उस पार्टी में चले गए जिस पार्टी के केंद्र में और प्रदेश में शासन होते हुए सुखराम जी को तिहाड़ की जेल तक उन्होंने पहुंचाया कांग्रेस पार्टी ने, उनके घर पे रेड करके वीरभद्र सिंह जी के शासन में 7 करोड़ रुपया उनके घर से पकड़ा गया था। तो सुखराम जी को जो सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, जिस पार्टी ने उनकी बेइज्जती की, जिस पार्टी ने उनको बेईमान कहा, जिस पार्टी ने उनको पार्टी से बाहर किया, वो उस पार्टी में आज फिर दोबारा से चले गए हैं, इसके बारे में सुखराम जी ही बता सकते हैं। हमीरपुर सीट की बात कर लेते हैं सर। हमीरपुर को लेकर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति है, आप ये कह रहे हैं कि धक्काशाही चल रही है, कि एक दूसरे को धक्का दे रही है, लेकिन चुनाव के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, प्रत्याशी होगा कौन, इसको लेकर भी संशय लगातार बरकरार है। हालांकि भाजपा जो है वो घोषणा कर चुकी है अपने प्रत्याशियों की, किस तरह से चैलेंज रहेगा अगर प्रत्याशी जो है वो कोई और रहता है, बड़ा कोई नेता रहता है, क्या लग रहा है आपको कोई बड़ा नेता भी आ सकता है? कांग्रेस पार्टी के चारों सीटों के ऊपर विचित्र स्थिति है। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रक्रिया तय की थी कि वो कैंडिडेट से अप्लाई करवाएंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने प्रक्रिया तय की, मुझे जहाँ तक जानकारी है शायद 50,000 रुपया उन्होंने लोगों से मांगा और उनके नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने इच्छा जताई चुनाव लड़ने की उन्होंने पैसा भी जमा करवाया। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उन कार्यकर्ताओं के नाम भी चर्चा में नहीं है, उनसे लाखों रुपया कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठा कर लिया, उन्होंने भी प्रक्रिया क्यों अपनाई? और दूसरा यह है कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको वो लड़ाना नहीं चाहते, कि कांग्रेस मानती है को बिल्कुल नलायक लीडर है, नलायक कार्यकर्ता है, कि कांग्रेस ये मानती है कि वो अच्छे लोग नहीं है जिन्होंने चुनाव के लिए अप्लाई किया, फिर उनसे अप्लाई क्यों कराया, उनके पैसे क्यों रखे। दूसरा विषय यह है कि जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, इच्छा ही प्रकट नहीं की, उनको जबरदस्ती क्यों चुनाव लड़ाया जा रहा है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ये मान करके चलिए कि चारों के चारों सीटें वो हार जाएंगे, इसलिए कोई भी आदमी चुनाव नहीं लड़ना चाहता। आपका ये कहना है कि कांग्रेस के पास अभी लोकसभा चुनावों के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई बड़े ऐसे चेहरे नहीं है जो चुनाव लड़ सकें भाजपा के सामने? चेहरे बहुत हैं लेकिन वो लड़ना नहीं चाहते हार के डर के कारण। वजह क्या है? हार का डर, उनको लगता है कि हार जाएंगे, मोदी जी का नेतृत्व है, जयराम जी की ईमानदार गवर्नमेंट है और पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, तो उसके कारण वो चुनाव में हार के डर के कारण नहीं लड़ रहे हैं, चेहरे उनके पास बहुत है सर। अगर वीरभद्र सिंह चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं, कई विधायक पदाधिकारी पार्टी के कई शीर्ष नेतृत्व जो है वो ये कह रहे हैं कि अब वीरभद्र सिंह चुनावी मैदान में उतरे, वो चुनाव लड़ें, अगर वीरभद्र सिंह किसी भी सीट से चुनाव लड़ते हैं हमीरपुर मंडी, क्योंकि मंडी उनका लग रहा है, पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, कितना आपके लिए मुश्किल रहेगा? कांग्रेस पार्टी की यही तो दुविधा है कि जो लोग नहीं लड़ना चाहते, मैं वीरभद्र सिंह को जी को ये नहीं कहता कि वो चुनाव में हार के डर के कारण नहीं लड़ रहे हैं, वो बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, वो चुनाव लड़ते हैं तो एक अलग परिस्थितियां होती हैं, लेकिन वो उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। और वीरभद्र सिंह जी ने मंडी के बारे में जब जब भी पत्रकारों ने पूछा तो मीडिया में उन्होंने कहा कि मंडी से कोई ना कोई मकर झंडू चुनाव लड़ेगा, तो अब वीरभद्र सिंह जी क्यों अपने आप को मकर झंडू बनेंगे, तो उन्होंने खुद बोला है, तो अब देखते हैं कौन मकर झंडू उनका वहाँ से आता है। वीरभद्र सिंह जी ने खुल बोल करके रखा कि मकर झंडू को चुनाव लड़ाएंगे, अब देखते हैं कौन मकर झंडू मंडी से आता है। आखिरी सवाल, मोदी जी को कुल मिलाकर कितनी सीटें हिमाचल से मिलने वाली? हिमाचल से हमारा कोशिश है, जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से, नेताओं की एकजुटता से, हम चाहते हैं
चारों के चारों सीटें बीजेपी जीते और नरेंद्र मोदी जी को 100% योगदान हिमाचल प्रदेश का मिले। एक सवाल रह गया, अनिल शर्मा को लेकर असमंजस की स्थिति है, क्या पार्टी में रहने वाले हैं? मंत्री पद से इस्तीफे की चर्चा भी है जो तेजी से चल रही है, किस तरह से आपको लग रहा है, क्या पार्टी का कोई प्रेशर है कि अब प्रचार जो है वो कहाँ से करने वाले? नहीं, हमने अनिल शर्मा जी को नहीं बोला कि वो रिजाइन दे, क्योंकि वो धर्म संकट में है, पारिवारिक संकट भी है, पार्टी का संकट भी है, इसलिए वो अपनी जगह से ही है। तो इसलिए जो वो निर्णय लेंगे हम वही बातचीत करेंगे, जैसा भी वो निर्णय लेंगे। वो प्रचार के लिए मना कर रहे हैं कि प्रचार नहीं करेंगे अपने, क्योंकि अब बेटा जो है वो कांग्रेस में चला गया है और अगर प्रत्याशी वहाँ से बनता है मंडी से तो असमंजस की स्थिति जो है वो निश्चित रूप से रहेगी। आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्लियामेंट्री में जो है वो वहाँ पर नहीं करेंगे, उसके अलावा कहीं बाहर से करेंगे, ऐसा क्या? उन्होंने ये बोला है कि मैं पार्टी का प्रचार मंडी में नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बेटा वहाँ से चुनाव लड़ रहा है, और बीजेपी जहाँ कहेगी मैं बाकी जगह प्रचार करूँगा। तो देखते हैं आने वाले टाइम में, अभी काफ़ी समय है, क्या होता है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो दावा है इनका, आखिर दावा यही किया जा रहा है कि चारों की चार सीटें जो हैं वो मोदी की झोली में डाली जाएंगी। इसके अलावा जो चुनाव प्रचार है उसमें भी तेज़ी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मंडी सीट को लेकर जो है वो अभी भी संशय है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रामस्वरूप शर्मा प्रत्याशी ज़रूर हैं लेकिन जो मंत्री हैं अनिल शर्मा उनको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आखिरी फैसला उनका है। और ये कहा जा रहा है कि सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं, जो दावेदारी थी जिनकी उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं अब सबको मना लिया गया है, पार्टी एकजुट है और चारों की चार सीटें जीतने का दावा किया गया है। अपने सहयोगी गजेंद्र के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।